हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि गूगल ड्राइव पे अगर आप फोटो सेव करना चाहते हो तो किस तरीके से आप कर पाओगे, और साथ में आप चाहते हो कि आपके जो फ़ोटो आपने गूगल ड्राइव पे डाले हैं या जो भी आपने वीडियो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने फाइल्स डाली हैं वो कोई भी ना देख पाए आपके गूगल ड्राइव अकाउंट पे, तो आप इसे लॉक भी कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करना है, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, जो भी फोटो या वीडियो आप गूगल ड्राइव पे डालने वाले हो उन्हें आप दो तरीके से लॉक कर सकते हो, तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कोई भी फोटो या वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करने वाले हो, या फिर आप गैलरी में जाके भी डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देखिए, दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको जो भी जीमेल सेलेक्ट करनी है वो जीमेल यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जिस भी जीमेल पे आप अपने वीडियो या फोटो सेव करना चाहते हो वो यहाँ पे जीमेल आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आपको कोई भी फोटो या वीडियो सेव करना है तो उसे देखिए आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक प्लस का आइकन देखने को मिलता है। सिंपली आपको सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने फोटो या वीडियो अपने गूगल ड्राइव पे सेव करने हैं और साथ में आप उन्हें लॉक भी कैसे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक फोल्डर बना लेना है। उस फोल्डर का क्या नेम है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, इस फोल्डर को आप जो भी नेम देना चाहते हो वो यहाँ से आप दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक फोल्डर डाल देता हूँ, जैसे कि देखिए मैं अपने ही नेम से बना देता हूँ एक फ़ोल्डर, तो जिसके अंदर मैं फ़ोटो सेव कर पाऊँ। अपने नेम से मैंने फ़ोल्डर बना दिया है। अब आप जिस भी नेम से फ़ोल्डर बनाओगे, इस फोल्डर पे आपको टैप करना है, उसके बाद में आपका ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी फ़ोटो अपलोड करना है उसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको बोला जाता है वेटिंग फॉर वाईफाई। तो अगर आपने वाईफाई कनेक्ट किया होगा तो आपका ये जो फ़ोटो है ये डायरेक्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके गूगल ड्राइव पे। लेकिन अगर आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा और आपने अपना मोबाइल डाटा ऑन किया होगा, तब आपको यहाँ पे ये इसी तरीके से देखने को मिलेगा, वेटिंग फॉर वाईफाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो अपलोड का ऑप्शन है इसी पे आपको टैप करना है, तो आपका ये जो फ़ोटो है ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में भी आपको शो होता है कि आपके गूगल ड्राइव अकाउंट पे कोई फाइल आप अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपका ये जो फ़ोटो है ये यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपकी जो फ़ोटो है अपलोड हो रही है। तो इस तरीके से आपको अपना वीडियो या फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको अपलोड करने हैं वो इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, हमारी जो अपलोडिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। अब यहाँ पे हमारा जो है देखिए अपलोड हो चुका है फ़ोटो, और इस तरीके से हम इसे स्किप कर देंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो फ़ोटो है वो गूगल ड्राइव पे आ चुका है। अब मैं इसे बैक कर लेता हूँ। अब हमारा ये जो फोल्डर है इसके अंदर हमारा ये फ़ोटो आ चुका है, और हम कभी भी इस फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं, और इसके बिल्कुल भी पिक्सल ख़राब नहीं होते हैं। जितनी क्वालिटी में जितने पिक्सल में आप इसे अपलोड करते हो उतनी ही MB उतने ही पिक्सल में उतने ही क्वालिटी अच्छी में आप इसे फिर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो आप फिर से अपनी गैलरी में इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब आपका ये जो फोटो आपके गूगल ड्राइव पे आ चुका है, इसे आप अपनी गैलरी से डिलीट भी कर सकते हो। ये फ़ोटो आपका यहाँ पे आप कभी भी इंटरनेट ऑन करके देख सकते हो। अब ये तो पहला तरीका है जिससे कि मैंने आपको बता दिया है कि गूगल ड्राइव पे आप कैसे फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डायरेक्ट गैलरी से कैसे अपना फ़ोटो या वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने जो फ़ोटो या वीडियो आपने अपलोड किए हैं गूगल ड्राइव पर उन्हें आप लॉक कैसे कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी गैलरी से कैसे गूगल ड्राइव पर अपने फ़ोटो अपलोड कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, मैं अपनी जो गैलरी है वो ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरी गैलरी ओपन हो चुकी है। अब मैं जिस भी फ़ोटो को अपलोड करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव पे उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखिए, मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब इस फ़ोटो को मैं गूगल ड्राइव पे गैलरी से डायरेक्ट सेव करना चाहता हूँ, तो देखिए कैसे करूँगा। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे सेंड का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अदर्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिन पे आप अपने इस फ़ोटो को सेंड कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, हमें गूगल ड्राइव का जो ऑप्शन है वो देखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ड्राइव का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, इस पर आपको इसी तरीके से क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो होगा वो आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा।
जो भी आपका जीमेल ईमेल अकाउंट होगा वो यहाँ पे सेकंड पे देखने को मिलेगा, और थर्ड नंबर पे आपका जो भी फोल्डर होगा जिस फोल्डर में आप इसे सेव करने वाले हो अपलोड करने वाले हो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी आपका जीमेल अकाउंट है वो पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए, जिस भी मुझे गूगल ड्राइव अकाउंट पे अपलोड करना है वो ये वाला ड्राइव अकाउंट नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो जो भी आपकी जितनी भी जीमेल होंगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जिस पे मुझे अपलोड करना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी मेरा यहाँ पे जीमेल अकाउंट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में जो भी आपका फोल्डर होगा इस जीमेल के अंदर वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फोल्डर के अंदर इसे सेव नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आप फोल्डर भी चेंज कर सकते हो। फोल्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इस फोल्डर पे टैप करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जो भी पहले से आपने फोटो इसके अंदर अपलोड किया होगा वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे बैक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो फोल्डर है वो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आप एक न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसी फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हो तो इस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे नीचे आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छे से समझिए, देखिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। पहले आपको बैक पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप इस फोल्डर के अंदर फोटो अपना सेव नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आप न्यू फोल्डर बना सकते हो। ऊपर आपको प्लस का आइकन देखने को मिला है, लेकिन अगर आप इसी फोल्डर के अंदर अपना फोटो सेव करना चाहते हो तो आपको इस फोल्डर को पहले ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी जिस भी फोल्डर के अंदर आप इस फोटो को सेव करना चाहते हो वो फोल्डर जो भी जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पे आपका आ चुका है जिस पे आप अपलोड करना चाहते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए सेव का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो उसके बाद में आपको आपका जो भी फोटो है वो गूगल ड्राइव पे सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो भी आपका फोटो है वो यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है आपके गूगल ड्राइव अकाउंट पे। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट अपनी गैलरी से भी फोटो गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हो, या फिर आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में भी जाके अपने फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करने हैं। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से गूगल ड्राइव अकाउंट को ओपन करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो फोटो आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इन फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर पाओगे, और फिर अगर आप इन्हें कभी भी डाउनलोड करना चाहते हो तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको सारा कुछ पता चल गया होगा कि कैसे आपको अपलोड करना है। अब जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपने ये जो फोटो यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, अब चाहते हो कि आपके गूगल ड्राइव पे कोई भी इन्हें देख ना पाए, तो आपका जो भी गूगल ड्राइव अकाउंट है इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका जो फोल्डर है जो भी आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से आपका फ़ोटो कोई भी देख सकता है। तो आप चाहते हो कि इन फ़ोटो को कोई भी देख ना पाए तो आप इन्हें लॉक भी कर सकते हो। तो देखिए, लॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, या आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च बार में टाइप करना है लॉक। लॉक सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप लॉक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप ऐप को लॉक भी कर सकते हो, आप अपनी इस ऐप को हाइड भी कर सकते हो ताकि आपके इस गूगल ड्राइव अकाउंट के अंदर जितने भी फ़ोटो वीडियो हैं वो कोई भी ना देख पाए। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिले हैं। तो ये सभी के फ़ोन पे अलग अलग सेटिंग देखने को मिलती हैं। काफ़ी सारे लोगों को ऐप हाइड का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऐप लॉक करना है ताकि मेरे कोई भी ये वाले जो फ़ोटोज़ हैं या वीडियो कोई भी ना देख पाए गूगल ड्राइव अकाउंट पे, तो इन्हें मुझे लॉक करना है। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सेटिंग में आ चुके हैं। दोस्तों, आपके गूगल ड्राइव अकाउंट पे जितने भी फ़ोटोज़ हैं उन्हें आपको लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप लॉक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपने पहले से पिन सेट किया हुआ है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप पहली बार ऐप लॉक को ओपन करते हो तो यहाँ पे आप न्यू पिन भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं पिन डाल लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको कुछ भी देखने को ना मिले। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना जो पिन है वो डाल लेता हूँ। अगर आपका पिन पहले से नहीं है तो आप यहाँ पे एक न्यू पिन भी क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके जितने भी ऐप्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने जो भी गूगल ड्राइव अकाउंट पे फ़ोटो डाले हुए हैं उन्हें आपको लॉक करना है कि आपके गूगल ड्राइव पे जो फ़ोटो है वो कोई भी ना देख पाए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ड्राइव। तो आपका जो गूगल अकाउंट ड्राइव है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसके बगल में एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑन ऑफ करने का, इसे आपको ऑन कर देना है। इस तरीके से आप इसे ऑन करोगे, उसके बाद में आपके गूगल ड्राइव अकाउंट पे जितने भी फ़ोटोज़ या वीडियो है
वो कोई भी देख नहीं पाएगा जब तक आप अपना पिन नहीं डालोगे। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसे लॉक कर दिया है, अब मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अब फिर से यहाँ पे जो गूगल ड्राइव अकाउंट है इसे मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आपको पिन डालना होगा या जो भी आपके फ़ोटोज़ देखना चाहता है उसे यहाँ पे पिन डालना होगा, तभी आपके वो गूगल ड्राइव अकाउंट के जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो देख पाएगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पे आपके जो ड्राइव के अंदर फ़ोटोज़ हैं वो नहीं देख पाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लॉक कर सकते हो। ये तो मैंने पहला तरीका आपको बता दिया है, तो इस तरीके से आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट के फ़ोटोज़ लॉक कर पाओगे। अब आप चाहते हो कि आपका ये जो गूगल ड्राइव अकाउंट जो फोल्डर है, जो ये ऐप है, ये आपको यहाँ से देखने को ना मिले, यानी कि ये यहाँ पर हाइड हो जाए, तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो। तो ये दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, हाइड ऐप और यहाँ पे लॉक ऐप का। तो इस तरीके से आप गूगल ड्राइव अकाउंट पे अपने फ़ोटोज़ यहाँ पे सेव कर सकते हो और इन्हें लॉक भी कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि आपके जो गूगल अकाउंट के अंदर आप एक एक फ़ोटो को लॉक करना चाहते हो, तो उस पर आपको एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले तो इसे अनलॉक करके। जैसे मान लीजिए आपके जो गूगल ड्राइव अकाउंट के अंदर जितने भी फ़ोटोज़ हैं, जैसे मान लीजिए ये फ़ोटोज़ हैं, अब इन फ़ोटोज़ को आप अलग अलग लॉक करना चाहते हो तो कैसे लॉक कर पाओगे, तो इस पर आपको एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।